जबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल अपनी पत्नी का टिकट कटने से बेहद निराश हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि एक षड्यंत्र के तहत भाजपा ने कुछ लोगों ने उनकी पत्नी का टिकट कटवाया है। पहले उनकी पत्नी वैजयंती माला का अध्यापिका के पद से रिजाइन कराया और उसके बाद टिकट भी नहीं दिया गया। उन्होंने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर गंभीर आरोप लगाए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक डिसीजन होते हैं। पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसे मैं अच्छा कहूँगा, लेकिन दुख भी है कि मेरी पत्नी से इस्तीफा दिला करके यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके इस्तीफा दिला करके ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मेरे पति से बोला कि आपकी पत्नी का टिकट तय है, पैनल में नाम है सबसे पहले, तो आप उनका रिजाइन करा दीजिए। और माननीय मंत्री जी यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके बोला कि इनका रिजाइन जल्दी से जल्दी स्वीकृत होना चाहिए क्योंकि इनको पर्चा भरना है, और वो सब काम हो चुके थे। लेकिन लास्ट टाइम पे न जाने किन कारणों से किस वजह से एक बाहर के आदमी को लाए और जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे उनको